सीजी मैटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है केशव साहू। आज हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में बात आज करते की हैं। हमारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के वीडियो की शुरुआत दो पंक्ति से करना चाहूँगा दोस्तों। खेलबो खो खो गेड़ी और पिट्ठू सुरता लमाबो नानपन के जुर्मिल हमर खेल ल मिल ही पहचान संघरा बढ़ाबो छत्तीसगढ़ के मान। तो ये दो पंक्ति दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम। ठीक है, आज हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हरेली त्यौहार से शुरू हो रहा है। आइए दोस्तों हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के रूपरेखा के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम कौन कौन से बिंदुओं पर बात करेंगे उसके बारे में सबसे पहले बिंदुवार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दुनिया में ओलंपिक खेलों का इतिहास, फिर छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई उसका अध्ययन करेंगे, फिर ओलंपिक में छत्तीसगढ़ से शामिल खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे, फिर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की आवश्यकता क्यों है उस पर चर्चा करेंगे, फिर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्वरूप के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर खेलों का क्रियान्वयन किस तरह किया जाएगा और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं, इन सभी बातों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी अपने उद्घाटन समारोह के दौरान कुछ शब्द बोले थे, आइए इन शब्दों को सुनते हैं। मैं आप विश्वास दिला रहे मंच के माध्यम से ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है वो हर साल हुई सितंबर अक्टूबर के महीना में आयोजन हुई और एक बात के थोड़ा सा निराशा और शिकायत भी कर रही थे, हम खेले भी है लेकिन इनाम नाम नहीं मिली, यहाँ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि यह खेल हर साल आयोजित किए जाएंगे, इसमें कुल 16 प्रकार के खेल शामिल हैं दोस्तों, जिसको दो भागों में बांटा गया है, पहला दली खेल और दूसरा एकल खेल। दली खेलों में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संकली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा कस्सी और बाटी शामिल है। इस प्रकार कुल 8 खेल दली खेलों में शामिल हैं दोस्तों। उसी प्रकार एकल खेलों में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती शामिल है दोस्तों। इसमें भी 8 प्रकार के खेल हैं, इस प्रकार कुल 16 खेल हैं। इसमें रस्सी कूद और कुश्ती को नया, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों इसका महत्व CGPSC मेंस पेपर 7, पेपर 5 और ऐसे राइटिंग में है। जैसा कि पिछले इस साल 2022 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, इस कारण इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। साथ ही साथ व्यापम और अन्य परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दुनिया में ओलंपिक खेलों के इतिहास की बात करें तो दोस्तों प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा दोस्तों। दुनिया में 4 प्रकार के ओलंपिक गेम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहला, दूसरा शीतकालीन ओलंपिक, फिर पैरा ओलंपिक, फिर यूथ ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो ये ओलंपिक का कुछ पुराना फोटो है जो ओलंपिक गेम्स के समय खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपके पुराना फोटो शो हो रहा है। ओलंपिक में भारत की भागीदारी की बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड जो एक एंग्लो इंडियन थे ने 1900 ओलंपिक नीरज चोपड़ा दोस्तों जो 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कोरोना काल के कारण 2021 में हुआ था जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी बधाई, कैसे लगा थे? चलिए दोस्तों अब हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। कबड्डी खो खो गेड़ी पिट्ठूल देसी खेल के जमही रंग लैका ले सियान तक जम्मो मिल के खेल ही संग। आप दोस्तों इस कोटेशन को ऐसे में यूज़ कर सकते हैं या कहीं और अच्छे जगह सुनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हम अब
छत्तीसगढ़ से कौन कौन से खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए थे कब कब उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है लेजली क्लाउडियस जी, जो हॉकी खिलाड़ी थे। इन्होंने 1948, 1952, 1956 और 1960 ओलंपिक में भाग लिया। फिर आर बेस्टियन जी हैं, जो 1960 ओलंपिक में भाग लिए। फिर विंसेंट लाकड़ा जी हैं, इन्होंने 1948, 1952, 1956 और 1960 में हॉकी में भाग लिया था। फिर हनुमान सिंह जी बास्केटबॉल 1980 मास्को ओलंपिक में। फिर राजेंद्र प्रसाद जी मुक्केबाजी मास्को ओलंपिक में। फिर अभी 2016 में रेणुका यादव जी, जो हॉकी खिलाड़ी थी, वो रियो ओलंपिक। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की अगर आवश्यकता क्यों है दोस्तों, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले पारंपरिक खेलों का संरक्षण होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से। दूसरा, युवा प्रतिभाओं की खोज होगी जो ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर सके। फिर युवाओं को अवसर मिलेगा दोस्तों। फिर खेलों से सामाजिक समरसता बढ़ेगी तथा व्यक्ति में सदाचार का विकास होगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भागीदारी इन सभी के प्रति है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्वरूप की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन 17 जुलाई से प्रारंभ होकर 27 सितंबर तक किया जाएगा। यह 6 स्तरों पर खेला जाएगा। पहला, राज्य युवा मितान क्लब स्तर पर 17 से 22 जुलाई तक, जोन स्तर पर 26 से 31 जुलाई तक, फिर विकासखंड स्तर पर 7 से 31 अगस्त तक, फिर जिला स्तर पर 25 से 4 सितंबर तक, फिर संभाग स्तर पर 10 से 17 सितंबर तक, फिर राज्य स्तर पर 25 से 27 सितंबर तक खेला जाएगा दोस्तों। प्रमुख खेलों की अगर बात करें तो इसमें 16 खेल शामिल। खेलों के अगर क्रियान्वयन की बात करें तो इसका प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण प्रशासन विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा दोस्तों। चयन प्रक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले 6 से 18 वर्ष, फिर 18 से 40 वर्ग और 40 से फिर 65 वर्ष आयु वर्ग। इसके निगरानी दोस्तों खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि जांच पड़ताल जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समक्ष चुनौतियों की बात करें दोस्तों, तो इसको हम आइए बिंदुवार देखते हैं। यहाँ सबसे पहले ट्रेनिंग व प्रशिक्षण का अभाव है। देखिए, यहाँ स्टेडियम, व्यायामशाला व प्रशिक्षण केंद्र का अभाव है। कुछ बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में इन ट्रेनिंग सेंटरों का बिल्कुल भी अभाव पाया जाता है दोस्तों। फिर पैसों की समस्या है, फिर समन्वय का अभाव है। आपसी समन्वय व मिलजुल कर कार्य न करने की इच्छा के कारण इन खेलों में समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों। फिर प्रचार प्रसार की समस्या है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में जानते भी नहीं है, ना इन खेलों में भाग लेते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से संबंधित वीडियो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।